हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू दिन के साथ। तो दिन हमारा शुरू हो चुका है और आज बहुत सख्त गर्मी, बहुत ही सख्त, ना बर्दाश्त करने वाली गर्मी। बीबी का भी आई थिंक मसला हुआ है, तो आप प्लीज़ दुआ करें कि बारिश हो जाए। तो हम इसी तरह आपके साथ न्यू व्लॉग्स बनाते रहें। तो जैसे कि गर्मी होती है, बंदे का खाना खाने का दिल नहीं करता, तो दिल चाहता है कि कुछ और ट्राई किया जाए और बनाया जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमने आज क्या बनाया। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो गाइस, ये मैंने ले लिया है चिकन, और ये मैं जी लहसुन के अंदर जो है ना ऑयल, लहसुन वगैरह ना थोड़ा थोड़ा सा भून के उसके अंदर मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर रही थी। जब चिकन की स्मेल जो है वो बिल्कुल मर जाएगी, फिर इंशाल्लाह इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने जी सोचा है कि भई आज बर्गर पड़े हुए थे, तो उनके अंदर हम चिकन की छोटी छोटी सी ये बोड़ियाँ पीसीस करके ना बना के मसाले वाली, तो वो ऐड करके बर्गर बना के देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो चलें जी, वैसे मैं आपको बताती जाऊँ, बहुत मज़े के बने थे, बहुत यम थे। तो फिर मैंने कहा चलें साथ साथ जो है ना आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था 5 जवे लहसुन के लिए थे, उनको अच्छे से पीस लिया था, और मैंने ऑयल में 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल लिया था। मेरी बड़ी चम्मच है, छोटी नहीं है, इस वजह से बोल रही हूँ कि 2 से 3 चम्मच। तो उसके अंदर फिर मैंने लहसुन थोड़ा सा फ्राई किया और बिल्कुल ब्राउन नहीं होने दिया, साथ ही मैंने चिकन डाल दिए ताकि इसकी स्मेल मर जाए। अब मैं इसको अच्छे से वो कर रही थी, फिर मैंने इसके साथ ही इसमें चिली फ्लेक्स डाले थे, जिसको आप दड़ा मिर्च भी बोलते हैं, दड़फल मिर्च भी बोलते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी बोलते हैं। तो ये मैंने डाल दी थी हस्बे ज़रूरत, और साथ मैंने नमक ऐड कर दिया था। तो ये मैंने अच्छे से पहले इसको फ्राई किया, फिर इसके अंदर मैंने ऐड की थी सॉसेस। तो सॉसेस को आपने साथ ही नहीं ऐड कर देना, वरना उनका टेस्ट जो है ना वो सही से डेवलप नहीं होता, वो मर जाता है। तो इसी में नमक मिर्च में ना मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। ये देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद जी साथ साथ वहाँ पे कटिंग भी जा रही थी, मेरे हस्बैंड जो है साथ साथ सैलेड काट रहे थे बर्गर्स के लिए, मैं चिकन रेडी कर रही थी। तो फिर साथ ही हम बर्गर बना के जल्दी से इकट्ठे बैठ के खाएंगे। ये देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ सॉस, ये हमारी चिली सॉस, और हम डालेंगे जी सोया सॉस, फिर हम विनीगर ऐड करेंगे, और विनीगर डालने के बाद हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। कितना खूबसूरत कलर आ गया सॉसेस डालने के बाद, लेकिन आप समझिएगा नहीं कि ये पक चुकी हैं, ये भी कच्ची हैं। ये आ गया हमारा विनेगर, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली हूँ, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। और जी ये अच्छे से जब फ्राई फ्रूई कर लिया था, फिर मैंने इसको ढक दिया था हल्का सा पानी लगा के, ताकि ये जो कच्ची है ना ये थोड़ी थोड़ी गल जाएं, थोड़ी थोड़ी नहीं सही से गल जाएं। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे से गल चुकी है। अब हम इनको थोड़ा सा छोटा छोटा भी कर लेंगे। ये देखिए कितनी मज़े की रेडी हुई है ये, दिल करता है कि ऐसे ही खा लें। साथ जी इसमें हमने ऐड किए थे बर्गर बनाने के लिए खीरे लगाए थे उसमें, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बने हुए बर्गर हैं और ये यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। इसमें हमने जी दही में पुदीना ऐड करके ना सूखा, और नमक उसमें ऐड किया था, हरी मिर्च, तो वो वाला लगाया, वो वाली चटनी की एक तह लगा दी है। ऊपर हमने जी चिकन रख दी है, मज़े वाला जो बनाया है, और इसके ऊपर अब डलेगा जी, ये देख लें, ये मेरे हस्बैंड साथ लगा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मैंने कैमरे को पकड़ा हुआ है।
अच्छा मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई थी कि वो जब दो रेडी कर चुके थे तब फिर मुझे याद आया कि मुझे साथ शूट करना चाहिए, तो बाकी जब बना रहे थे ना मैंने फिर साथ बनाई थी। तो ये जी मायो डाल दिए, मायोनीज जो है ना और ये केचप, कुछ लोग मायोनीज पसंद नहीं करते तो वो स्किप भी कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। और साथ ही केचप डाल दी थी। और अब हम डालेंगे इसमें सैलेड। सैलेड में हमने जो है खीरा काटा हुआ था, प्याज टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक काटे हुए थे, बिल्कुल बारीक, ये देख सकते हैं आप, ये लग चुके हैं। एक साइड पे सैलेड की तय आ गई, एक साइड पे चिकन की मायो की आ गई। और अब हम बर्गर को करेंगे बंद और साथ ही हम इसको करेंगे तवे पे फ्राई। ये हमारे बर्गर बंद हो चुके हैं, अब हम इसको तवे पे फ्राई कर लेंगे। ये बर्गर रेडी है। सो गाइज, उम्मीद है आज आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।